So let's start with downloading the Python. We'll open Chrome. Then, as we can see, on the first we have download link. So let's download the Python's latest version, and its latest version is 3.10.5. As we can see, we can download for different platforms, for Windows, Linux, Unix, macOS, as your preferences. So we are waiting for the download complete. And download has been complete. Now we'll go in folder where it has been downloaded. Now click on the app. So we don't have to do anything. We have to click on install now. If we want, we can give it customized path, but as a beginner we should click on install now, because we only want to learn, don't want anything extra. You can see it is installing TCL and TK. Basically these are Tkinter and GUI. Yeah, it has been downloaded. You can see setup was successful. Ignore the disable path length limit. We'll sort out it later. So let's close the window. And we have to search for the ID, not ID, for the Python. So we can see what are the installations are completed. Yeah, as we search Python, we can see there are Python IDLE and docs also. So we click on IDLE. Yeah, basically this is the IDLE cell. So basically this is an IDE cell for the Python. Let's first we will open on file. We'll create new file. तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे हेलो वर्ड प्रिंट करेंगे, क्योंकि हर किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में सबसे पहला प्रोग्रामिंग होता है हेलो वर्ड, और पाइथन में सबसे इजी होता है हेलो वर्ड प्रिंट करना. तो कुछ भी प्रिंट दिखाने के लिए हम लोग पाइथन में यूज़ करते हैं प्रिंट. सो पहले हम लोग इसको सेव कर लेते फाइल को. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी को भी फाइल को भी सेव करने के लिए एक एक्सटेंसन होता है. तो पाइथन में वो एक्सटेंसन है .py. सो आप लोग देख सकते हो हेलो डॉट पाई लिख के आ चुका है. अब हम लोग रन करेंगे इसको. ऑल यू कैन सी हेलो वर्ड इज प्रिंटेड नाउ. सो अब हम लोग देखते हैं और कुछ मैं आपको बता सकूँ इसमें तो. हाँ, अगर हम लोग एक कॉमा हटा देंगे वर्ल्ड के बाजू का तो ये रन नहीं करेगा. इट विल शो एन एरर. देखते हैं क्या एरर दिखाता है. As you can see, unterminated string, literal. और अगर हम लोग दूसरा कॉमा भी हटा देंगे और रन करके देखने का ट्राई करते हैं. Invalid syntax, perhaps you forgot a comma. तो इसने हम लोग को बता दिया कि हम लोग एक कॉमा भूल रहे हैं. So let's put the comma first. And then try to run it. We will run it first. Yeah, we can see hello world is printed. So I just wanted to tell you all kind of information regarding hello world, how to print. So basically Python में comments कैसे लिखते हैं. comments क्या होता है, जब हम लोग कोई function लिखते हैं और हम लोग को याद रखना पड़ता है कि
हाँ ये कोड यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है, तो हम लोग यूज़ करते हैं कमेंट्स का। पाइथन में कमेंट्स के लिए हैश टैग यूज़ होता है, सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए। सो लेट मी कंप्लीट दिस कमेंट्स लाइन। प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन पाइथन। या सो देर इज़ अनदर वे ऑल्सो, लेट मी रन इट फर्स्ट। आप लोग देख सकते हैं कमेंट को प्रोग्राम ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया और खाली हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है और कोई एरर नहीं आ रहा है। तो पाइथन में दूसरा तरीका भी है कमेंट्स लिखने का, इन्वर्टेड कॉमा। हम लोग इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं 3 टाइम्स। और इन्वर्टेड कॉमा वाला कमेंट्स बेसिकली यूज़ होता है जब हम लोग को ज़्यादा लाइन में कमेंट लिखना होता है, तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली कमेंट्स प्रोग्राम से इग्नोर हो जाता है और सिर्फ मेन चीज़ प्रिंट होती है। जैसे अभी हम लोग ने ये प्रोग्राम बनाया प्रिंट हेलो वर्ड का, तो सिर्फ हेलो वर्ड ही प्रिंट होगा, कमेंट्स इग्नोर हो जाएंगे। एज यू कैन सी हेलो वर्ड, दोनों कमेंट्स इग्नोर हो चुके हैं। सो लेट मी टेल यू द अनदर वे टू लर्न पाइथन। लाइक इफ यू डोंट हैव लैपटॉप और पीसी, देन यू कैन लर्न इट ऑन योर स्मार्टफोन ऑल्सो। यू डोंट नीड एनी पीसी और लैपटॉप टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नाउ डेज। सो लेट मी शो इट। इफ यू आर ऑन स्मार्टफोन गो ऑन क्रोम, इफ यू आर लैपटॉप और पीसी दैट्स ओके। यू कैन ओपन क्रोम एंड सर्च फॉर रिप्लेट, RIPLIT। यू कैन सी दे आर मैनी ऑप्शंस, क्लिक ऑन replit.com। इफ यू आर न्यू हियर यू हैव टू क्लिक ऑन साइन अप, एज आई ऑलरेडी हैव माई लॉग इन अकाउंट ID, सो आई विल क्लिक ऑन लॉग इन। यू कैन साइन अप विथ वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल, गिटहब एंड ऑल। सो टू रन अ पाइथन प्रोग्राम वी हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी आर वर्किंग विथ पाइथन, सो वी विल सर्च पाइथन। एज वी कैन सी देर आर मैनी ऑप्शन कमिंग पाइथन, एज आई हैव वर्क प्रीवियसली ऑन पाइथन, सो इट्स कमिंग इन माई फेवरेट। सो लेट मी शो यू वॉट अदर थिंग्स आर देयर। सो बेसिकली पाइथन विथ टर्टल इज़ अ GUI। बेसिकली इन द एंड ऑफ दिस कोर्स आई विल शो यू वन प्रोग्राम टू राइट इन पाइथन विथ टर्टल एंड पाई गेम। बेसिकली वी क्रिएट गेम्स यूजिंग पाइथन एंड एज वी कैन सी देर आर मैनी ऑप्शंस लाइक पाइथन डेटा साइंस, पाइन चैंट, CMU ग्राफिक्स, डिस्कॉर्ड बॉट, पाइथन स्टार्टर, टी इंटर, इट्स ऑल्सो GUI। सो फ्लास्क इज़ अ फ्रेमवर्क एंड जांगो इज ऑल्सो फ्रेमवर्क फॉर द वेब डेवलपमेंट। सो वील क्रिएट, वील सर्च पाइथन, वील क्लिक ऑन पाइथन। वी कैन गिव टाइटल्स हियर, इट विल रैंडमली जनरेट्स एनी टाइटल, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट रिपल। इट्स डाउनलोडिंग द फाइल, सो वेट टिल इट्स डाउनलोड। सो इट्स रेडी, इट्स कनेक्टेड। सो लेट मी शो यू फर्स्ट, लाइक लेट्स स्टार्ट विथ कमेंट। दिस इज ऑनलाइन IDE। या सो लेट्स स्टार्ट प्रिंट, वी कैन क्रिएट प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। या नाउ एज यू कैन सी वी हैव टू क्लिक ऑन रन। या एज यू कैन सी हियर इज द हेलो वर्ल्ड प्रिंटेड। सो आई हैव शोन यू अनदर ऑप्शन टू क्रिएट अ कमेंट लाइक इन्वर्टेड कॉमा, 3 times inverted comma, it will auto complete. So this is our first program. Let's run it. If we can get any error, we can solve it together. So there are no errors. So basically, this is the online ID I was talking about. We can learn many programming languages using Replit, so we don't need to have any laptop or PC.
Let's see what variables are in Python. So let's start. Variables are used to store data values. So basically हम लोग variables में data values store करते हैं जो हम लोग के code के time हम लोग manipulate कर सकते हैं. We can change data values of those variables. पाइथन में वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए हम लोग को कोई कमांड की ज़रूरत नहीं होती. हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं. लेट मी कंप्लीट द कमेंट. यू कैन ऑल्सो कोड साइमल्टेनियसली इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन phone or you have laptop both, then you can simultaneously code. It will save your time. So let's comment variable. Let's start. Hum log ne x equals to 4. So basically 4 is a type of integer. y वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम लोग स्ट्रिंग यूज करेंगे टॉम क्रूज. सो टॉम क्रूज जस्ट बिकॉज कॉमा हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है तो हम लोग ने तो ये स्ट्रिंग होगा. दिस इज स्ट्रिंग. लेट्स प्रिंट. Print y. Let's run it. As you can see, it has printed x value 4 and y is in string value Tom Cruise. So let's clear this. So in Python हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स. टू स्पेसिफाई डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल हम लोग को बस लेट्स सी एक्स इक्वल्स टू स्ट्रिंग 5. सो हम लोग ने एक्स इक्वल टू स्ट्रिंग लिखा है तो 5 एक स्ट्रिंग होगा. लेट्स गेट वाई इक्वल्स टू इंट. सो इंट मीन्स इंटीजर 5. Z equals to float 5. So basically what float are? Decimal values. So Z equals to float 5. ये print करेगा 5.0 means 5.0. और y equals to int 5 ये इंटीजर होगा तो ये प्रिंट करेगा 5, क्योंकि इंटीजर पे कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता तो ये सिर्फ 5 प्रिंट करेगा. सो हम लोग ने x इक्वल टू स्ट्रिंग डाल दिया है तो ये 5 को एक स्ट्रिंग बना देगा. लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट. प्रिंट x, print y. Print z. हम लोग रन करेंगे. As you can see, जैसा कि मैंने बोला था, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू इंटीजर में 5 है और z की वैल्यू फ्लोट पे 5 है. तो हम लोग ने क्लियर किया इसको. लेट्स मूव ऑन. सो बेसिकली पाइथन में हम लोग डेटा टाइप
फंक्शन यूज़ करके वेरिएबल का टाइप निकाल सकते हैं टाइप फंक्शन यूज़ करके। सो लेट्स सी, एक्स इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू स्ट्रिंग लेंगे एक टॉम क्रूज, जेड इक्वल्स टू 5.0। सो लेट्स प्रिंट। हम लोग को टाइप फंक्शन यूज़ करना है क्योंकि हम लोग को वेरिएबल का डेटा टाइप निकालना है। टाइप फंक्शन यूज़ किया हम लोग ने ब्रैकेट एक्स, ऐसे ही हम लोग वाई एंड जेड में भी यूज़ करेंगे। प्रिंट टाइप वाई, प्रिंट टाइप जेड। सो लेट्स रन। यप, सो हम लोग देख सकते हैं एक्स की वैल्यू इंट है, इंटीजर में है, वाई की वैल्यू एक स्ट्रिंग है और जेड इक्वल टू 5.0 है क्योंकि डेसिमल में वैल्यू है इसलिए वो फ्लोट है। सो स्ट्रिंग वैल्यूज़ पाइथन में हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं आइदर बाय यूजिंग सिंगल कोट और डबल कोट। हम लोग या तो सिंगल कोट यूज़ करके स्ट्रिंग वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर डबल कोट यूज़ करके। सो यहाँ पे हम लोग ने वाई इक्वल्स टू टॉम क्रूज लिखा है जिसमें हम लोग ने डबल कोट यूज़ किया है। सो लेट्स क्रिएट अनदर वन, वाई इक्वल्स टू सिंगल कोट्स टॉम क्रूज ये दोनों वाई सेम होंगे, डजेंट मैटर हम लोग ने सिंगल कोट यूज़ किया है या डबल कोट क्योंकि हम लोग ने वेरिएबल वाई असाइन किया उसे। एज यू कैन सी कंसोल में टॉम क्रूज प्रिंट करके आ गया क्योंकि दोनों वाई की वैल्यू सेम है। सो इन पाइथन हम लोग वैल्यू असाइन कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज़, मल्टीपल वेरिएबल इन वन लाइन। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज़ हम लोग मल्टीपल वेरिएबल असाइन कर सकते हैं एक लाइन में। लेट्स सी, एक्स कॉमा वाई जेड इक्वल्स टू बैटमैन सुपरमैन सुपरगर्ल। लेट्स प्रिंट इट। एक्स प्रिंट वाई प्रिंट जेड रन करेंगे। यू कैन सी कंसोल में बैटमैन सुपरमैन सुपरगर्ल लिख के आ गया है। नॉइज़ के लिए सॉरी क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पीछे। लेट्स सी व्हाट लिस्ट इज। सो बेसिकली इन पाइथन लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ डेटा है और लिस्ट के अंदर हम लोग स्ट्रिंग नंबर्स बुलियन वैल्यूज़ इवन लिस्ट इनसाइड लिस्ट कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो विथाउट डिलेइंग लिस्ट स्टार्ट विथ लिस्ट। लेट मी कंप्लीट द कमेंट। लिस्ट इन पाइथन, नाउ वी विल क्रिएट वेरियस लिस्ट। फर्स्ट द नंबर इक्वल्स टू ब्रैकेट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो बेसिकली दीज आर द नंबर। लेट्स क्रिएट अनदर वन, कंपनी एप्पल
गूगल एंड लास्ट वन मेटा। सो बेसिकली फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर दिया है मेटा, आप लोग को अब तक तो पता चल गया होगा। इट्स क्रिएट अनदर वन नेम काउंट। सो इस लिस्ट के अंदर हम लोग लिस्ट इनसाइड लिस्ट का भी एग्जांपल देखेंगे। टॉम ये एक स्ट्रिंग है, ट्वेन लेट्स की 56, बेसिकली टॉम क्रूज की एज 56 होगी अभी तो। सो 56 इज इंटीजर। वनीसा 29। लिस्ट क्रिएट लिस्ट इनसाइड लिस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनसाइड लिस्ट। लेट्स प्रिंट। कंपनी ट्राई टू रन इट। यू कैन सी इट हैज़ प्रिंटेड एप्पल गूगल एंड मेटा। तो हम लोग लिस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक आइटम को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स नंबर। टू एक्सेस देयर वी विल यूज ब्रैकेट। सो एज वी हैव यूज वन इंडेक्स नंबर गूगल का एक होगा क्योंकि प्रोग्रामिंग में काउंटिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट। लेट्स सी व्हाट डिक्शनरी इज। डिक्शनरी यूज होता है डेटा वैल्यू स्टोर करने के लिए, और डिक्शनरी में हम लोग की देते हैं और उस की एक वैल्यू होती है, और डिक्शनरी ऑर्डर्ड होती है, हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं, बट मेन थिंग ये डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता, और डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम कमेंट देंगे दिस इज डिक्शनरी। लेट्स क्रिएट दिस इज डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे नेम की है, और उसकी वैल्यू है दीपक। लेट्स ट्राई। कलर की है एंड इसकी वैल्यू हम डाल देंगे ब्राउन। यहाँ पे हमें कोलन को कॉमा की उसी तरह फिक्स रहता है। सो लेट्स गिव अनदर की यर। इसकी वैल्यू हम लोग डाल देंगे 2000। नाउ लेट्स प्रिंट दिस इज डिक्ट। लेट्स ट्राई टू रन इट। इट इज शोइंग सम एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, मेन लाइन 5, कलर। सो वी हैव फॉरगॉटन हियर समथिंग, या वी हैव फॉरगॉटन हियर अ कॉमा। सो लेट्स ऐड अ कॉमा हियर फर्स्ट। दीपक ब्राउन एंड ट्राई टू रन इट। एज यू कैन सी इट हैज़ प्रिंटेड की एंड देयर वैल्यूज, नेम दीपक, कलर ब्राउन, ईयर 2000। अगर हम लोग को डिक्शनरी के अंदर किसी मेन आइटम पे प्रिंट करना है, जैसे हम लोग यहाँ पे नेम प्रिंट करना चाहते हैं खाली, तो हम लोग ब्रैकेट यूज़ करके नेम प्रिंट कर सकते हैं। एज यू कैन सी इट हैज़ ओनली प्रिंटेड नेम दीपक। दैट्स इट। लेट्स सी वॉट टूपल्स आर। टूपल यूज़ होते हैं मल्टीपल आइटम स्टोर करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, और टूपल्स ऑर्डर्ड होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं, एंड मेन थिंग ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ करते हैं। टूपल्स को हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, एंड लेट्स सी
लेट्स स्टार्ट विथ टूपल्स, कमेंट देंगे टूपल्स इन पाइथन। लेट्स साइन टूपल इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स नेम ऑफ फ्रूट्स एप्पल, यू कैन यूज योर ओन फेवरेट बनाना एंड द लास्ट वन चेरी। एंड नाउ बिफोर प्रिंटिंग टूपल लेट मी टेल यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। टूपल कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, मीन्स जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में हम लोग वो टूपल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर अ टूपल विथ स्ट्रिंग, यप, एंड अनदर वन इज टूपल्स विथ इंटीजर्स एंड टूपल्स विथ बुलियंस वैल्यू। सो लेट मी कंप्लीट द कमेंट्स। I'm writing what I have just told you inside the comment. Yeah, so let's create another variable marble tuples equals to Captain America. You can write your favorite superheroes also. Captain America, Iron Man, and last one, Spider-Man. So let's see. We can access tuples, items. लाइक लिस्ट, लिस्ट में हम लोग इंडेक्स नंबर से उसके अंदर के आइटम्स को एक्सेस कर सकते थे, वैसे ही हम लोग टूपल्स में भी इसके अंदर के आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स नंबर। लेट मी कंप्लीट द कमेंट। लेट्स प्रिंट मार्वल टूपल्स ब्रैकेट्स, हमें प्रिंट करना है कैप्टन अमेरिका, तो मैंने इंडेक्स आयरन मैन प्रिंट करना है और मैंने इंडेक्स डाल दिया 1, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 कैप्टन अमेरिका होगा। लेट्स सी व्हाट दी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर। सो बेसिकली इन पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट आर नथिंग बट इफ स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स एंड नेस्टेड एल्स स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद दी इफ स्टेटमेंट। लेट मी कमेंट कंप्लीट दी कमेंट फर्स्ट। इफ स्टेटमेंट लेट्स ए इक्वल्स टू 33, बी इक्वल्स टू 100। यहाँ पे हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ बी इज ग्रेटर देन ए तो वो प्रिंट करेगा बी इज ग्रेटर देन ए। लेट्स ट्राई टू रन इट। एज यू कैन सी इट हैज़ प्रिंटेड बी इज ग्रेटर देन ए। सो लेट्स स्टार्ट विथ अनदर कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एलिफ स्टेटमेंट। सो लेट मी चेंज द कमेंट। इफ एल इफ स्टेटमेंट
स्टेटमेंट। इसमें भी हम लोग वेरिएबल लेंगे, उससे वैल्यू असाइन करेंगे, ए इक्वल्स टू 55, बी इक्वल्स टू लेट्स सी गिविंग वैल्यू 55, दोनों की वैल्यू सेम है। लेट्स क्रिएट, इफ बी इज ग्रेटर देन ए तो हम प्रिंट करवाएंगे बी इज ग्रेटर देन ए। अब हम लोग यूज करेंगे एलिफ स्टेटमेंट, एल इफ ए इक्वल इक्वल्स टू बी देन विल प्रिंट ए एंड बी आर इक्वल, लेट्स ए इज इक्वल टू बी, लेट्स रन इट। एज यू कैन सी ए एंड बी की वैल्यू सेम है तो ये एलिफ स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा है ए इज इक्वल टू बी। नाउ लेट्स गो अहेड विथ इफ एलिफ एंड एल स्टेटमेंट। लेट मी कंप्लीट द कमेंट्स। इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, बस वैल्यू चेंज कर देंगे ए की एंड बी की, ए की 100, बी की 33। हम लोग को क्या करना है, एलिफ के बाद एक और स्टेटमेंट डालना है एल्स का। सो बेसिकली इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट में पहले इफ स्टेटमेंट आएगा, फिर एलिफ स्टेटमेंट आएगा, फिर एल्स स्टेटमेंट आएगा। एल्स स्टेटमेंट में हम लोग प्रिंट करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि हम लोग ने ए की वैल्यू चेंज कर दी 100 और बी की 33। सो लेट्स रन इट, ए इज ग्रेटर देन बी, जस्ट बिकॉज ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 100 है और बी की 33। सो लेट्स गो अहेड विथ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। हम लोग इसे क्लियर करते हैं, कमेंट कंप्लीट करता हूँ। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट वेरिएबल साइन करेंगे x इक्वल टू 41, इफ स्टेटमेंट इफ x इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ हम लोग ने डायरेक्ट वैल्यू कंपेयर की है, यहाँ पे प्रिंट ग्रेटर देन 10। लेट्स प्रिंट if, so basically what nested if is if statement inside an if statement, so x greater than 20 हम लोग प्रिंट करवाएंगे and also greater than 20। अब हम लोग यूज़ करेंगे एल स्टेटमेंट। एल स्टेटमेंट में हम लोग प्रिंट करवाएंगे बट नॉट ग्रेटर देन 20। सो लेट्स ट्राई टू रन इट। एज यू कैन सी एक्स की वैल्यू 41 है और यहाँ पे अगर x ग्रेटर देन 10 है तो ये प्रिंट करता है ग्रेटर देन 20 फर्स्ट इफ स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट भी हम लोग x की वैल्यू चेंज करते हैं 19। अब रन करेंगे तो इसने प्रिंट कर दिया x ग्रेटर देन 10 है बट नॉट ग्रेटर देन 20 else स्टेटमेंट। सो दिस इज़ बेसिकली, लेट्स क्रिएट फेमस फिजबस चैलेंज यूजिंग प्रीवियसली डिस्कस्ड टॉपिक्स, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड फॉर लूप। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिया नंबर इन रेंज 1 to 15, मैंने 1 से 50 तक का नंबर लिया है यहाँ पे। मैं यूज करूँगा यहाँ पे इफ स्टेटमेंट, इफ नंबर जो 1 से 50 के बीच है अगर डिवाइडेड बाय 3 होंगे इक्वल्स इक्वल्स टू 0,
and numbers divided by 5. Let's print. अगर नंबर 3 and 5 दोनों से डिवाइडेड होंगे तो हम लोग प्रिंट करवाएंगे फिजबर्स. अब हम लोग एक और बार एल इफ लेंगे. एल इफ इसमें हम लोग स्टेटमेंट देंगे नंबर्स अगर सिर्फ 3 से डिवाइड हो इक्वल्स इक्वल्स टू 0 तो वो प्रिंट करेगा फिज. नाउ हम लोग एक और बार एलिफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. एलिफ नंबर्स अगर सिर्फ 5 से डिवाइड हो इक्वल्स इक्वल्स टू 0 तो हमें प्रिंट करवाना है बज. एंड एट द एंड वी विल यूज एल्स स्टेटमेंट. एल्स प्रिंट नंबर्स. जो नंबर्स 3 and 5 या फिर 3 से भी या फिर 5 से भी नहीं डिवाइड होंगे उनकी जगह पे हम खाली नंबर्स प्रिंट करवा देंगे. लेट्स रन इट. एज यू कैन सी नंबर्स दोज आर डिवाइडेड बाय ओनली 3 हैव प्रिंटेड फिज एंड डिवाइडेड बाय ओनली 5 हैव प्रिंटेड बज. एंड नंबर्स जो 3 and 5 दोनों से डिवाइड हुए हैं वहाँ पे हमने प्रिंट किया है फिज बज. सो दैट्स इट फॉर द फेमस फिज बज चैलेंज. ट्राई इट ऑन योर ओन. लेट्स सी व्हाट फॉर लूप इज. For loop is used for iterating over a sequence that is either a list, a tuple, a dictionary, a set or a string. Means for loop हम तब use करते हैं जब हमें किसी sequence पे iterate करना हो. Iterate का मतलब होता है हम किसी sequence पे बार बार एक चीज़ करना चाहते हैं तब हम for loop use करेंगे. Let's start for loop. मैंने comment दिया. हम लोग list create करेंगे names की जिसमें हम 3 नाम देंगे नील स्कारलेट वनेसा. अब हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे. फॉर एक्स इन नेम्स प्रिंट एक्स. लेट्स रन इट. As we can see, it is showing name error. Names is not defined. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे for x in names लिखा है और हमने लिस्ट का नाम दिया था name. तो हम लोग यहाँ से एक s हटाएंगे और फिर रन करने का ट्राई करेंगे. As you can see, it has print Neil, Scarlett and Vanessa. So हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं इसमें. हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं. ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करके हम लोग लूप स्टॉप कर सकते हैं बिफोर इट लूप थ्रू ऑल द आइटम्स. मींस अगर हम लोग लेट्स सी हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे इफ एक्स इक्वल्स इक्वल्स टू स्कारलेट. हम लोग को अगर लूप स्कारलेट पे पहुंचता है तो हम लोग को इसे स्टॉप करवाना है. तो हम लोग ने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया जिससे कि अगर लूप इट्रेट होगा नील से जब वो स्कारलेट पे जाएगा एज इट हैज शोइंग सम एरर ब्रेक आउटसाइड लूप. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. ट्राई टू रन इट अगेन. या यू कैन सी नील एंड स्कारलेट. सो पहले ये नील पे गया जब जब ये स्कारलेट पे पहुंचा एक्स तब ये स्टॉप हो गया और इसने नील और स्कारलेट प्रिंट किया वनेसा को नहीं किया. दैट्स इट फॉर द फॉर. होप यू गाइस आर डूइंग वेल. सो बेसिकली
We are almost at the end of our course. So in this video, we'll create simple calculator using Python. It will have all the function, subtract, divide, multiply, add, and we'll use conditional statement also. So it will clear your concept of conditional statement. So without delaying, let's start. We will save a file named calculator.py. You can save using your favorite names. So let's first we will create a function to add two numbers. So basically हम लोग define कर रहे हैं function add number 1 comma number 2 return number 1 plus number 2. ये हम लोग का add function हो गया. अब हम लोग create करेंगे function to subtract two numbers. सेम प्रोसीजर है, यू कैन कोड साइमल्टेनियसली विथ मी. लेट्स डिफाइन सब ट्रैक्ट नम वन comma num2 so basically ये function return करेगा num1 minus num2. so अब हम लोग तीसरा function define करेंगे function to divide two numbers. so define करते हैं define spelling mistake divide num1 num2 colon return. ये return करेगा function division of number 1 and number 2. now let's create fourth function. इस function में हम लोग multiplication define करते हैं. function to multiply define multiply num1 comma num2 return. so basically function return करेगा multiplication of two number num1 asterisk num2. so let's print please select options equals to new line double quote बंद करेंगे अब हम लोग ने जितने भी फंक्शन डिफाइन किए हैं उन्हें एक साथ यहाँ लिख देंगे नंबर वन ऐड न्यू लाइन डबल कोट
नंबर टू सब्ट्रैक्ट न्यू लाइन डबल कोट क्लोज. नंबर थ्री डिवाइड. ओके, हम लोग मल्टीप्लाई यूज करते हैं पहले. लेट्स सी. मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन. हमें एक एरर आने वाला है जब हम प्रोग्राम रन करेंगे, तो मैं आपको बाद में बताता हूँ उसे कैसे सॉल्व करेंगे. फोर्थ डिवाइड. यहाँ पे हम लोग कोट लगाना भूल गए. ब्रैकेट बंद कर देंगे. नाउ हम लोग इनपुट लेंगे यूजर्स से. सिलेक्ट इक्वल टू इंट इनपुट सिलेक्ट ऑपरेशन फ्रॉम 1, 2, 3, 4. कोड बंद कर दिया हम लोग ने. This is close. Number one. Int. Input. So basically हम लोग int इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेटर में सब इंटीजर्स ही होते हैं. नंबर्स int. First. नंबर. सो नंबर अंडरस्कोर 1 इनपुट लेगा यूजर से पहला नंबर इंटर करने के लिए. ब्रैकेट क्लोज. नंबर अंडरस्कोर 2 इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट ओपन इनपुट ब्रैकेट ओपन डबल कोट इंटर सेकंड नंबर. कोड बंद करेंगे. ब्रैकेट्स भी बंद कर देंगे. नाउ अब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. इफ सिलेक्ट इक्वल इक्वल्स टू 1. अगर हम लोग ने चारों फंक्शंस में से यूज़र ने नंबर 1 सिलेक्ट किया तो वो प्रिंट करेगा नंबर अंडरस्कोर 1, स्पेस डबल कोट प्लस कॉमा नंबर अंडरस्कोर 2, डबल कोट इक्वल्स टू कॉमा एड. यूजर्स ने जो नंबर 1 में इनपुट डाला है वो और नंबर अंडरस्कोर 2. सो हम लोग ने यहाँ पे ऐड फंक्शन यूज़ कर लिया अपना. नाउ एलिफ सिलेक्ट अगर यूज़र सेकेंड ऑप्शन यूज़ करता है तो सेम प्रिंट फंक्शन प्रिंट का कोड रहेगा, बस हम लोग प्लस की जगह
माइनस यूज करेंगे और ऐड फंक्शन की जगह सब्ट्रैक्ट यूज कर लेंगे. सो लेट मी कंप्लीट इट फास्ट. सब्ट्रैक्ट नम वन कॉमा नंबर अंडरस्कोर टू, ब्रेसेस क्लोज कर देंगे. एल इफ एक बार सिलेक्ट, अगर यूजर थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेगा तो प्रिंट का कोड सेम रहेगा, बस माइनस की जगह हम लोग यूज करेंगे एस्ट्रिक्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सो नंबर अंडरस्कोर टू कॉमा डबल कोट इक्वल्स कॉमा मल्टीप्लीकेशन नंबर वन कॉमा नंबर टू, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. तो लास्ट ऑप्शन, अगर यूजर फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, इफ एलिफ सिलेक्ट इक्वल्स इक्वल्स टू फोर, लेट मी कंप्लीट इट. सो ये लास्ट ऑप्शन है, तो सॉरी बट हम लोग एल्स यूज करेंगे. एल्स सॉरी आई फॉरगॉट, फोर्थ ऑप्शन यूज करेंगे पहले. एलिफ सिलेक्ट इक्वल्स इक्वल्स टू फोर, प्रिंट, प्रिंट का कोड सेम रहेगा, बस मल्टीप्लीकेशन और एस्ट्रिक्स की जगह हम लोग डिवाइड का सिंबल डाल देंगे. डिवाइड कॉमा नंबर अंडरस्कोर टू कॉमा डबल कोट इक्वल्स टू कॉमा स्पेस डिवाइड नंबर अंडरस्कोर वन कॉमा नंबर अंडरस्कोर टू. सो नंबर अंडरस्कोर टू, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. नाउ एट द एंड वील यूज एल स्टेटमेंट. प्रिंट, अगर यूज़र ने 1, 2, 3, 4 के अलावा और कोई ऑप्शन यूज सिलेक्ट किया, जैसे कि 5, 6 या 7 या 8, 9, 10 कुछ भी, तो इनवैलिड ऑप्शन बताएगा, इनवैलिड इनपुट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. रन करेंगे. लेट मी फर्स्ट प्लीज सिलेक्ट ऑपरेशंस, नाउ दैट्स बेटर. So let's run it. Please select operation. Let's select operation from 1, 2, 3, 4. We have selected 4. Pehla number add karenge 69. Second number input karenge 69 divided by 1.0. So 69 divided by 69. Answer will be 1. So let's run it again. Now we will choose another option. Let's start with multiplication. Pehla number 69, second number 2. So as I have told you, ek error aayega. Error aa gaya hai, name multiplication is not defined. To yahan pe error isliye aaya hai kyunki hum log ne function mein define multiply kiya hai, पर यहाँ पे हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन लिख दिया है. सो ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है प्रोग्रामिंग में. लेट्स चेंज इट, मल्टीप्लीकेशन की जगह हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. एलिफ स्टेटमेंट भी मल्टीप्लीकेशन की जगह मल्टीप्लाई. लेट्स रन इट अगेन.
नाउ सिलेक्ट विल यूज 3, पहला नंबर ऐड करेंगे 69, सेकेंड 2, 69 × 2 इक्वल्स टू 138. सो हम लोग का कैलकुलेटर ख़त्म हो गया. सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. होप यू गाइस आर डूइंग वेल.